और 42 सैनिकों के नाम दर्ज हैं। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया। राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं के प्रमुख, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जिनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के प्रमुख से अभिवादन स्वीकार करते हुए, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। दीज आर हैलोड ग्राउंड्स दैट पीपल ट्रेड विद रेवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड एज दे रिमेंबर दोज हू लिव इटर्नली इन अनदर रियल्म बट आर नेवर टू फार फ्रॉम आवर थॉट्स। देयर मेमोरी पर्वेड्स द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया। हर देशवासी को प्रेरित करता है, अपने वीर शहीदों के प्रति नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। समर स्मारक पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों अंगों के सजीले जवानों की टुकड़ी है, जिसकी कमान संभाली है थल सेना के मेजर विकास सांगवान ने। एक बेहद खास अवसर जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं और आजादी के उन मतवालों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। The wreath of remembrance with its gentle fragrance permeates the air as the memory of the martyrs suffuses the very soul of India. On behalf of a grateful nation, the Prime Minister pays homage to our brave martyrs. Thank you.
बाधाएं आती हैं आए गिरे गले की ओर जाए पाँव के नीचे अंगारे सिर पर धरती के लिए ज्वालाएं जिस हाथों से The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering salami shastra marking the completion of the 2 minute silence. When words stand still and hearts beat strong, a silent flame lifts into song. A billion prayers in reverence call, the silence quietly saying it all. Prime Minister Narendra Modi moving towards signing the ceremonial book for penning his thoughts. His gratitude to the countless soldiers who sacrificed their lives in battle but continue to live in our hearts. अमर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की. राष्ट्रीय समर स्मारक अमर जवानों के बलिदान का स्मरण देशवासियों को कराता है. देश को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान की एक लंबी परंपरा है वीर जवानों की. अमर जवान अमर हैं यादों में. पुष्पांजलि कृतज्ञता है राष्ट्र की कि उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा नौजवानों को आने वाली पीढ़ियों को. Time leaves us with many things, stories, memories and heroes. It is indeed a poignant time for the Prime Minister, as the head of the government of the largest democracy in the world, to lead the nation in paying homage to our heroes who laid down their lives so that our India may prosper and be home to generations of enlightened world citizens. We are proud of our men and women in uniform, and the Prime Minister penning his thoughts. Our men and women in uniform keep watch even now at this moment over snowbound mountains, endless sandy dunes and our extensive coastline, standing tall and strong for the nation. They make us proud. अपने विचार मन के भाव पुस्तिका में दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महज कलम से लिखे शब्द नहीं हैं, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान के हस्ताक्षर हैं. हमारे वीर जवान हमारे असली नायक हैं. हमारे जवान देश की रक्षा में जागते हैं, तभी तो हम घरों में चैन से सोते हैं. In fact, the complete wreath-laying ceremony by the Prime Minister here at the National War Memorial, a solemn and poignant one. A nation has different ways of recognizing and respecting sacrifice. To pay homage to its warriors prior to celebrating our republic is a heartfelt way of showing reverence. And days like today bring us together in our national consciousness and help us make the journey from me to we, from self to country. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं राजपथ की ओर. कुछ ही समय में वे सलामी मंच पर पहुंचेंगे. देश के अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री का राजपथ की ओर प्रस्थान हो रहा है. As the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead towards a future that is equitable and secure for all.
राजपथ, रायसीना पहाड़ी की ओर से विजय चौक से इंडिया गेट तक का मार्ग राजपथ कहलाता है, जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। पहले इसे किंग्सवे कहते थे। और ये दृश्य भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के, जहां से माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान करेंगे अभी कुछ ही समय में, और राष्ट्रपति जी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय। उप सैन्य सचिव एयर कॉमोडोर अनुज गुप्ता और एडीसी मेजर गोपाल सिंह पूनिया और लेफ्टिनेंट कमांडर पारस सिंह। The President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces, descending the stately 31-odd steps where the PBG, the President's Bodyguard, is ready for the salute. Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President, giving beauty, dignity and magnificence to stone. President of India, Sri Ramnath Kovind, now will exit the forecourt of Rashtrapati Bhavan and arrive at the saluting base, escorted by 46 bodyguards on magnificent bay and dark bay-coloured mounts. The ceremonial President's Bodyguard. Raised in 1773, this is the oldest and senior-most regiment of the Indian Army. इतिहास में एक और अध्याय जुड़ता हुआ और भारतीय इतिहास में ही एक नया युग शुरू हुआ था। 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर जब भारत को प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, इसके ठीक 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। गणराज्य बनने और राष्ट्रपति पद के संभालने की सूचना 10:30 बजे 31 तोपों की सलामी से दी गई। और उसी परंपरा में आज एक और अध्याय जुड़ता हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान कर चुके हैं राजपथ की ओर और यहां राजपथ पर आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। राजपथ पर आगमन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन। भारत का 72वां गणतंत्र दिवस
राजपथ देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत दिख रहा है। आज यहाँ भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए सलामी मंच के ठीक समीप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, अभिवादन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, तीनों सेनाओं के प्रमुख, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, अभिवादन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। A special day for the people of India, the 72nd Republic Day of India. The Honorable Prime Minister greeting the people who are present here. Moments of warmth and bonhomie. Senior cabinet colleagues, it's a day of great pride, joy, color, and festivity, a tradition that takes us back 72 years, a tradition that we cherish with all our hearts. Rajpath is dressed up in all the colors of the rainbow. देश के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन, माननीय प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया। कोरोना काल है और ऐसे में भारतीय अभिवादन नमस्कार श्रेष्ठ है। As the strains of Swagatham suffuse the air with their melody here at the saluting base, these are shots of the gently sloping Raisina Hill where the President's carcade, escorted by the bodyguards, is coming. To the right of the President's car is the Commandant of the Regiment, Colonel Anup Tiwari, on his Mount Virat, and on the left is the Second-in-Command of the Regiment, Lieutenant Colonel Shardul Sabiki, on his charger, Vikrant. The guards are riding steeds that are the tallest held by any mounted unit in the country at a minimum of 15.5 hands. Vice President Sri M. Venkaiya Naidu at the saluting base. The Prime Minister and other dignitaries awaiting the arrival of the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Sri Ramnath Kovind. Swagatam Geet गूंजता हुआ जो अभिवादन है, पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस गीत को लिखा था और धुन पंडित रविशंकर ने बनाई। स्वागत गीत स्वागतम। Visuals have a way of imprinting themselves on our memory, and here on Rajpath, beautiful visuals, memorable moments being recreated as every year on the 26th of January. देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन। उसमें तनय
military precision with timing, pomp, splendor, and discipline, all on display here. The President's bodyguard, unique and distinct amongst all regiments, not only in India but also the whole world. 6 feet tall personnel here. A proud moment again for the Prime Minister. The entire area, Rajpath, everybody present to welcome Shri Ramnath Kovind, the President of India. The 26th of January 1950, an important day in India's history, as the Constitution of India came into force on that day and India became a truly sovereign state. And the 26th of January 2021, an important day in India's present, as the nation comes together to celebrate its 72nd Republic Day, a day when celebration acquires a new dignity, when patriotism takes on fresh meaning and diversity dawns new dimensions. गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन सन 1950 से ही किया जा रहा है, जब पहली बार इसे ओवन स्टेडियम में परेड निकाली गई थी, जिसे अब हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। और राजपथ पर सन 1955 से लगातार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है और परेड निकाली जाती है। माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर अग्रसर। Rajpath resonating with the 21 gun salute. And as the sun, the dispeller of darkness, warms the entire area with its golden glow, we take deep pride in our land. No other land in the world has nourished so many faiths and beliefs since time immemorial. And today we have evolved into a multifaceted nation whose character has different tones, but the ultimate composition is forever one.
It is on days like today that we can step out of our routines and toast this glorious fusion of mind, heart and spirit that connects us all as Indians. And in a short while from now, Rajpath will resonate with myriad sounds and multiple hues. मौसम जो भी हो, सर्दी कैसी भी हो, हर बार शानदार और यादगार आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह का। धीरे धीरे दिन खिलता हुआ और इधर राजपथ पर मंजर बदलता हुआ, गतिविधियां शुरू हो रही हैं। निगाहें राष्ट्रपति भवन की ओर, जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए, भारत के गौरव के रंग पूरी चमक के साथ और उसकी भव्यता की झलक महसूस कीजिए। जोश, ताकत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, सब कुछ यहीं राजपथ पर। And also just to share with you the Republic Day ceremony 2021 celebrations, 360 degree camera views available on YouTube, a multilingual commentary is also available, Bangla, Marathi and so many other languages, all on YouTube, specially for you. Parade Rajpath par dheere dheere aage badhti hui aur udhar aakash mein राष्ट्रपति भवन की ओर से चार MI-17 V-5 हेलीकॉप्टर वाइन ग्लास फॉर्मेशन में, कमान संभाली है विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा ने, उनके साथ स्क्वाड लीडर सनिकेत, राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए थल सेना का ध्वज विंग कमांडर मयंक पालीवाल, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट जीबी सिंह, नौसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए विंग कमांडर कुणाल, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति, और वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भर रहे हैं विंग कमांडर डबराल और उनके साथ स्क्वाड लीडर सुमित। तीनों सेनाओं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर यह हेलीकॉप्टर राजपथ के ऊपर से उड़ान भरते हुए और फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए यहां दर्शकों पर। और इधर सलामी मंच के सामने आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा, दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा आज की परेड के परेड कमांडर। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है और इधर परेड के 2IC द्वितीय कमान मेजर जनरल आलोक कक्कड़, आज की परेड के द्वितीय कमान मेजर जनरल आलोक कक्कड़। सभी सपना देखते हैं कि कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया याद रखे, और राजपथ पर अब वो वीर हैं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया, ये साधारण से असाधारण बन गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार, और अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय वीरता का सर्वोच्च सम्मान है और अशोक चक्र शांति के समय ऐसी ही वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान है। इन वीरों की कहानियां आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी, सुनाएंगी और प्रेरणा पाएंगी।
And now approaching the saluting ways, we have the 122 member proud contingent of the Bangladesh Armed Forces, comprising soldiers of the Bangladesh Army. With them we have Bangladesh Navy and the Air Warriors of the Bangladesh Air Force, led by Contingent Commander Lieutenant Colonel Abu Muhammad Jahanu Shawan and his deputies Lieutenant Farhan Ishra and Flight Lieutenant Sibat Rahman. Marching to the awakening song of Shono Ekti Mujibure Theke Loko Mujibir, meaning listen to the voice of Mujibur, which has been multiplied by hundreds and thousands of his followers, played by the marching band led by Lieutenant Colonel Benazir Ahmed. These soldiers are the torchbearers of the flame of friendship between the two countries, and we are honored to have them for the first time in our Republic Day parade as we celebrate 50 years of the establishment of diplomatic relations with Bangladesh. And this is the first contingent in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers, the 61 Cavalry, led by Captain Dipanshu Shuran. The 61 Cavalry is the only active serving horse cavalry regiment in the world, with their motto Ashva Shakti Yashobal, meaning horse power is forever supreme. The regiment has won 39 battle honors and stands tall in the international equestrian and polo field. Velvety grey Rajpath, witness and host to a beautiful parade. And this is the rumble we were talking about. The first column in the mechanized columns, the main battle tank of the Indian Army, T-90 Bhishma, commanded by Captain Karamveer Singh Bhangu of 54 Armored Regiment. The MBT, or the main battle tank, is designed on the hunter-killer concept and is equipped with a powerful 125mm smoothbore gun, 17.62mm coaxial machine gun and a 12.7mm anti-aircraft gun. In fact, the tank can fire laser-guided missiles and engage targets at distances of up to 5 kilometers during the night. It is also capable of moving underwater. And the motto of the regiment is Sarvatra Yasho Vijay. Past the saluting base, the detachment of the Infantry Combat Vehicle BMP-2, Sarath, led by Captain Akshay Rastogi of the 3rd Battalion Brigade of the Guards, 1st Rajputana Rifles. The BMP is a high-mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night-fighting capability. The Indian Army has recently upgraded it with thermal imaging sight kit, which gives it a capability to destroy any unknown enemy target up to a distance of 4 kilometers at night. In fact, it is one of the best amphibious fighting vehicles in the world. Thank you.
राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। आईसीबी बीएमपी 2 सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उपस्थित जनसमूह को रोमांचित करते हुए विशिष्ट दर्शक दीर्घा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, और अब राजपथ पर गर्जना हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर की, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन कमरुल जमाने। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का दरअसल ये डिटैचमेंट सेना की 861 मिसाइल रेजिमेंट का अंग है, जिसका आदर्श वाक्य है डू इट राइट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। युद्ध घोष स्वामी शरणम अय्यप्पा। कैप्टन कमरुल जमा के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल। ब्रह्मोस के बाद अब रुख करते हैं 861 रॉकेट रेजिमेंट के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन विभोर गुलाटी। पिनाका का उद्गम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर आधारित बताया जाता है। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, यानी आदर और गौरव के साथ सब जगह। उपस्थित जनसमूह रोमांचित भारत की सैन्य शक्ति से रूबरू होते हुए और अब आ रहा है सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने वाला 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट और 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का ब्रिज लेइंग टैंक T-72। यह ब्रिज लेइंग टैंक यानी BLT आवश्यकता पड़ने पर 3 से 5 मिनट में एक पुल बिछा सकता है और 5 से 8 मिनटों में पुल को हटा भी सकता है। खास बात यह है कि ये सारे काम टैंक के अंदर से ही किए जाते हैं। दस्ते का नेतृत्व कैप्टन सचित शर्मा कर रहे हैं, साथ हैं कैप्टन अमित गावर। और अब स्वागत कीजिए कोरफ सिग्नल्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम समविजय का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन शुभम शर्मा। कोरफ सिग्नल्स का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, यानी सजग और सुरक्षित। And this is Captain Preeti Chaudhary, the Shilka weapon system. Artificial intelligence meets perfect human capabilities to always hit the bullseye, making this weapon system precise and lethal. The motto explains it all, Akasher Shatrun Jahi. All eyes towards the sky for the diamond in the air. Advanced light helicopters flying in a perfect diamond formation. These are 2 Rudra helicopters and 2 Dhruv helicopters led by Colonel Sudip Tochaki. Other members of the formation are Lieutenant Colonel Amit Mehta, Lieutenant Colonel Sumit Unyal and Lieutenant Colonel Vinod Kumar. Meanwhile, the strong rhythmic sounds of boots fill the air and inspire confidence. This is the Jat Regiment, led by Captain Rishabh Singh Sambhyal.
Jat Regiment is well renowned for its valor and sacrifice. This is reflected in their war cry, Jat Balwan, Jat Bhagwan. Combined band of the Mechanized Infantry Center, Para Regimental Center, and Jat Regimental Center, led by Subedar R. Kannan. The tune, Haste Gaate. Regimental bands help soldiers to march in synchrony. Gadwal Rifles ka dasta Captain Rajput Saurabh Singh ke netritv mein. भारतीय सेना की सबसे अलंकृत रेजिमेंट्स में से एक जिसके जवान गढ़वाल के 7 जिलों से आते हैं, सभी ऑपरेशंस और दोनों विश्व युद्धों में इसने भाग लिया है, कई सम्मान अपने नाम किए हैं। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बद्री विशाल लाल की जय। लेफ्टिनेंट सुभायु बोस ने कमान संभाली है महार रेजिमेंट के दस्ते की। महार रेजिमेंट का गठन 1 अक्टूबर 1941 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से हुआ। इस रेजिमेंट को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और कई सम्मान मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है यश सिद्धि और युद्ध घोष बोलो हिंदुस्तान की जय। संयुक्त बैंड दस्ता सूबेदार कलवंत सिंह के नेतृत्व में और सहायक नायब सूबेदार परगट सिंह के साथ बैंड धुन बजाता हुआ सरहद के रखवाले। मेजर हरीश ठाकुर ने कमान संभाली है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के दस्ते की। इस रेजिमेंट का गठन महाराजा गुलाब सिंह ने सन 1820 में किया था। जनवरी 1957 में भारतीय सेना में इसका विलय हो गया, तब से इस जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है, कई सम्मान और पदक इसके नाम हैं। रेजिमेंट का युद्ध घोष है दुर्गा माता की जय। Marching smartly, going past the saluting base. The Bengal Sappers, led by Major Piyush Sharma, Sena Medal of 69 Engineer Regiment. The origin of Bengal Sappers dates back to 7th November 1803. And they were called the Bengal Pioneers. The motto of the regiment is Ekta Seva Ilm Dhridta Shurvirta. Going past the saluting base, the combined band of the Sikh Light Infantry Regimental Center, Ladakh Scouts Regimental Center, and Artillery Center Nasik Road, comprising 68 musicians led by Subedar Major T. Leza of Artillery Center Nasik. The band is playing the tune Balidan. Following them, marching smartly on Rajpath, the next contingent is of the gallant Tambis of Madras Regiment's Territorial Army, comprising 3 TA battalions.
110 Madras TA, 122 Madras TA and 172 Madras TA, led by Major Manish Verma of 172 Madras TA. Their war cry is, Veer Madrasi, Adikollu, Adikollu, Adikollu. White. Approaching the saluting base, world-renowned brass band of the Indian Navy, led by Sumesh Rajan, Master Chief Petty Officer Musician, playing the Indian Navy tune, Jai Bharati. राजपथ पर अब शान से आगे बढ़ रहा है नौसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर ललित कुमार संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट कमांडर सुनय फोगाट, लेफ्टिनेंट आदित्य शुक्ला और सब लेफ्टिनेंट अगत सिंह चौधरी भी। और अब राजपथ पर आगमन नौसेना की झांकी, शीर्षक स्वर्णिम विजय वर्ष, जिसके अग्रभाग में 1971 में कराची बंदरगाह पर हुए आक्रमण को दर्शाया गया है। ये झांकी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेनाओं की गौरव गाथा और विजय गाथा और खास तौर पर नौसेना के योगदान को परिलक्षित करती है। झांकी के ठीक पीछे वायुसेना बैंड स्वर लहरियां बिखेरता हुआ आने के क्रम में सलामी मंच के ठीक सामने नेतृत्व वारंट ऑफिसर अशोक कुमार। इस दस्ते में 3 ड्रम मेजर और 72 संगीतकार शामिल। धुन बजा रहा है साउंड बैरियर पिक मार्च। राजपथ पर एयरफोर्स बैंड के ठीक पीछे है वायुसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट तनिक शर्मा कर रहे हैं। इस दस्ते में 96 एयरमैन और 4 ऑफिसर्स शामिल। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अपूर्व यादव, फ्लाइंग ऑफिसर एम मुरली और फ्लाइंग ऑफिसर कुटप्पा भी इस जोशीले दस्ते का हिस्सा है। एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज द इंडियन एयरफोर्स टैब्लो। इंडियन एयरफोर्स टच द स्काई विद ग्लोरी। The Indian Air Force pilots guard our skies with great panache. Pride in their force is writ large on the faces of the officers. And for the first time ever, Flight Lieutenant Bhavna Kant, who is one of the first 3 women fighter pilots of the country, is here as a part of this tableau, a matter of great pride for all of us. The tableau features models of some of their best aircraft, light combat aircraft, light combat helicopters, the Su-30 and the Rohini radar.
And this is the DRDO tableau. Research and innovation are the key to the future, and DRDO's mission is to make India self-reliant in defense technologies to meet the future with all its might. Two tableaus showcase DRDO's achievement. The first one shows a major stepping stone for the development of futuristic naval aircraft. The Indian Navy's first indigenous 4-plus generation fighter aircraft that have state-of-the-art lethal missiles and laser-guided bombs and drop tanks. It is capable of taking off and landing from short runways in all kinds of conditions. Next, we have the tableau of the anti-tank guided missiles being led by Aditya Bhaumik, a young scientist from the Defense Research and Development Organization. And the second anti-tank guided missiles as a part of the DRDO tableau. DRDO has developed anti-tank guided missile systems which play a crucial role in targeting armored tanks. These are full-scale models of some of its indigenous missiles. These missiles are lock before launch, fire and forget, which means once the target is locked, the missile will ensure it hits its target on its own. Featured here are the MAN portable anti-tank guided missile, the NAG, Helena, standoff anti-tank or SANT, and the anti-tank guided missile for Arjun tanks. All of these have been developed by DRDO. The military might of India from all angles. हमारी समुद्री सीमा के रक्षक भारतीय तटरक्षकों का दस्ता डिप्टी कमांडेंट आशीष नागर के नेतृत्व में उनके साथ हैं असिस्टेंट कमांडेंट एस देवीगा असिस्टेंट कमांडेंट यामिनी गोडुला और असिस्टेंट कमांडेंट पी कार्तिक राव भारतीय तटरक्षकों ने सन 2020 में एक बड़े अग्निशमन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करके दुनिया भर में प्रशंसा बटोरी है इनका आदर्श वाक्य वयम रक्षामः सीआरपीएफ का बैंड इंस्पेक्टर शमशेर लाल की कमान में 100 संगीतकार धुन बजा रहे हैं देश के हम हैं रक्षक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट नितेश भदौरिया की कमान में सलामी मंच के सामने 96 सदस्यों का दस्ता सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है इस बल को कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा शौर्य भी संगीत भी हिमवीरों यानी आईटीबीपी का बैंड इंस्पेक्टर दिवाकर प्रसाद की कमान में धुन बजा रहा है कदम कदम बढ़ाए जा
marching smartly to kadam kadam badhaye ja, the perfect edi panja roll going past the saluting base. The marching contingent of the Indo-Tibetan Border Police saluting this is their aim today, to go past it with flying colors, led by Assistant Commandant Dinesh Kumar and 3 subordinate officers and 96 other ranks. These brave and tenacious sentinels of our northern borders operate like snow leopards. And following these snow leopards, we have the Delhi Police Band. Bandmaster Sub-Inspector Rajinder Singh leading band, playing the Delhi Police Anthem. Following their band, the proud contingent of the Delhi Police. Assistant Commissioner of Police Akshat Kaushal, IPS, leading the smartly attired men from the Delhi Police marching contingent. All the members of the contingent are above 6 feet in height. This contingent has a unique distinction of participating in the Republic Day Parade ever since India became a republic in 1950, and has been adjudged as the best marching contingent 14 times. The motto of Delhi Police, Shanti, Seva or Nyay. In now a stunning riot of color and beauty, a graceful and visually melodious sight. Going past the saluting base, the camel contingent of the Border Security Force under the command of Deputy Commandant Ghanshyam Singh. These regal camels of the BSF or ships of the desert are dependable companions in the inhospitable terrains of Rajasthan and the run of Kutch. It would be interesting to note that 75 different dress items are necessary to ceremonially dress camels and riders of the BSF. The motto, duty unto death. राजपथ पर सीमा सुरक्षा बल के ऊंट दस्ते के बाद अब बारी है सीमा सुरक्षा बल के ही कैमल बैंड। दुनिया में अपनी तरीके के अनोखे इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज। ये दस्ता धुन बजा रहा है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता राजपथ, ऐतिहासिक इंडिया गेट जिसकी पृष्ठभूमि में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड शान से आगे बढ़ती हुई। गंतव्य स्थल इस बार राष्ट्रीय स्टेडियम। और अब सलामी मंच पर पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये जोशीले जवान, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुई और तब से लेकर तमाम वर्षों में आंतरिक सुरक्षा के अवसरों पर हमेशा खड़े उतरे हैं ये जोशीले जवान। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एनएसजी गीत, हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग हैं फिर भी संग हैं, तीन रंग का एक निशान। एनएसजी का आदर्श वाक्य, सर्वोत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का यह दस्ता,
जिसमें श्वान दस्ते भी शामिल रहते हैं, उन्नत तकनीक का सहारा, अत्याधुनिक हथियार, आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विपरीत परिस्थितियों पर पार पाने में। देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत राजपथ पर गुजरती हुई गणतंत्र दिवस की भव्य परेड। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य जिस पर वो पूरी तरीके से खड़े होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनसे विजय पाना कोई हमारे जवानों से सीखे। और अब स्वागत कीजिए एनसीसी बॉयज मार्चिंग कंटिंजेंट का। नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर रंजीत सिंह गुर्जर कर रहे हैं, जो कि एनसीसी डायरेक्टरेट राजस्थान से आते हैं। एनसीसी विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनों में शामिल है। देश में 17 डायरेक्टरेट और लगभग 14 लाख कैडेट्स इसमें शामिल। और अब बारी सेना बैंड की, जिसमें बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर किरकी और आर्मी सर्विस कोर के जवान शामिल। नेतृत्व नायब सूबेदार जीजे बीनू और नायब सूबेदार नागेंद्र कर रहे हैं। ये बैंड धुन बजा रहा है कदम कदम बढ़ाए जा। The NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Samriddhi Hansal Sant of the Maharashtra Directorate. Girl power in full display on Rajpath. A nation truly marches in time with its women. NCC instills strength and character in its cadets. These are strong young women who will define the future. National Service Scheme NSS, being led by Abhijit Bhuin from the West Bengal Directorate. NSS is the epitome of youth power. History has always been shaped by the power of the youth. NSS was launched in 1969 to mark Mahatma Gandhi's birth centenary for character building and imbuing a sense of selfless service. और अब राजपथ पर आगमन सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड के दस्ते का। नेतृत्व सूबेदार मेजर तक बहादुर राणा। 8 यूनिट से 89 संगीतकार, सहयोग सूबेदार केशव दास का, सीएचएम मंगल सिंह, नायब सूबेदार महाराज, नायब सूबेदार मंगल सिंह पवार इस दस्ते में शामिल। राजपथ पर मधुर स्वर लहरियां बिखेरते हुए दस्ते एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं। Regimental bands help soldiers to march in synchrony, but they certainly bring ordinary folk to their feet. And the much-awaited
cultural part of the parade begins with the tableaus. For the first time ever on Rajpath, the Union Territory of Ladakh, with a theme, Vision to the Future. Ladakh is known for her tranquil beauty and dramatic landscapes. Featured here is the Maitreya Buddha, the iconic Thikse Monastery, picturesque Kumpas, and of course, playful yaks. The tableau highlights the vision for Ladakh to be carbon neutral and set an example for the world. If that tableau inspired you to go to Ladakh, the tableau from Gujarat will certainly tempt you to see for yourselves the exquisite sun temple of Modera. This intricately carved temple was built in the 11th century by King Bhim of the Chalukya dynasty. Gujarat is famous for her folk traditions, and this is the Tippani dance from Saurashtra. हमारी सांस्कृतिक विरासत की झलक झांकियों के माध्यम से राजपथ पर, और सर्दियों के मौसम में चाय बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो चाय प्रेमी हैं उनके लिए हर मौसम चाय का मौसम है। असम की झांकी चाय के बागान और चाय उद्योग को दर्शाते हुए। चाय उद्योग असम की अर्थव्यवस्था की जान है। चाय की अलग अलग किस्में अपने रंग और खुशबू के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं, और झांकी के पिछले हिस्से में एक सींग वाले गेंडे को भी देखा जा सकता है। असम के बाद दक्षिण भारत का रुख तमिलनाडु की झांकी, पल्लव शासकों के समय बने शोर मंदिर और दूसरे स्मारकों को दर्शाती। पल्लव दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने इनका निर्माण करवाया, और यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया है। चट्टानों से और पत्थरों से काट कर बनाए गए ये मंदिर और स्मारक अद्भुत हैं, और शोर मंदिर बनाए गए सात मंदिरों में से अकेला बचा है। From the Shore Temple of Tamil Nadu, we move to the saints of Maharashtra. This tableau highlights the influence of the Bhakti movement. This freed devotion from the shackles of rituals and also promoted equality and brotherhood. Ya vikuta gajar hari
bhakti bhav in display on Rajpath in more ways than one. The middle part of the tableau depicts a historic meeting between Sant Tukaram Maharaj and Chhatrapati Shivaji Maharaj. And this meeting is seen as the convergence of bhakti and shakti. Moving on to the northern state of Uttarakhand, the theme of the tableau, Kedarkhand. Uttarakhand, a preferred destination for spiritual peace and yoga. Four sacred pilgrimage sites, and is also home to the holy river Ganga, called Devbhumi, the land of gods. Padmasan mein dhyan lagaye maun hai, Hirane mein tapta yogi kaun hai, Naad na koi tara, damru kabhi kabara, Padmundi aankhon se sab dekh raha sansara. The rear portion of the tableau shows the temple of Lord Kedar, which is one of the 12 Jyotirling. Divyashila, known to be the divine rock that stood in the way of the floods and saved the Kedarnath shrine from disaster in 2013, is just shown behind the temple. राजपथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक वैभव और परंपरा के रंगों से सजा धजा नजर आ रहा है. देवभूमि तपोभूमि उत्तराखंड की झांकी, और उसके बाद अब बारी आ रही है छत्तीसगढ़ की, जहां पर लोक संगीत की छटा अब राजपथ पर बिखर रही है. अलग अलग वाद्य यंत्र इस झांकी में दर्शाए गए हैं. छत्तीसगढ़ की इस झांकी के अगले भाग में धनकुल नाम का वाद्य यंत्र है, और मध्य भाग में तोड़ी और तुरही, जो उपस्थित जनसमूह को विस्मित कर रहा है, संबोधित कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है. विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जिसमें उपस्थित गणमान्य अतिथि, राष्ट्रीय उत्सव का उत्साह बनते हुए, और अब पंजाब की बारी. पंजाब की झांकी में 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी को उसे समर्पित किया गया है, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ. पंजाब की झांकी में 400वें प्रकाश पर्व को चिन्हित करने वाली दिव्य और निर्मल आभा बिखरे रही है. एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश झांकी के माध्यम से. एंड नाउ राजपथ हैज कम अलाइव टू द लिल्टिंग साउंड ऑफ म्यूजिक फ्रॉम त्रिपुरा. त्रिपुरा इज नोन फॉर हर रिच इको फ्रेंडली ट्राइबल ट्रेडिशंस, in which bamboo plays an important part. Oh, my God.
The theme of the tableau, eco-friendly Atmanirbhar Tripura. Tripura is home to 19 tribes and bamboo features prominently in their lives. The dance that we see is Lebang Bumani of the Tripuri people. India is moving forth on the wheels of change. The tableau from West Bengal showcases Shobuj Sathi, or the Green Companion, the bicycle, a powerful tool for access to higher education. The West Bengal government has distributed 1 crore free bicycles to students across the state to encourage children to go to school. The inkpot and stack of books represents empowerment through education. वक्त के आईने से तारीख में दर्ज होता हुआ गणतंत्र दिवस और खूबसूरत पर्वतीय राज्य सिक्किम की झांकी, इसमें पंगलाब्सोल त्योहार को मनाया जा रहा है। सिक्किम के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत की इस त्योहार में पूजा की जाती है। सिक्किम की पवित्र भूमि की रक्षा ये देवता करते रहे हैं, इसी कामना के साथ इस त्योहार पर परंपरागत रूप से प्रार्थना और नृत्य के जरिए देवता का आह्वान किया जाता है। और अब उत्तर प्रदेश की झांकी, इसमें भगवान राम के बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है, जिन्हें रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया है। पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्ला खान विविध विचारों का प्यार भरा परिवेश इसी धरा पर दिया बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश धन्य धन्य उत्तर प्रदेश धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। सरयू के तट पर दीपोत्सव की छटा बिखरी है। दीपोत्सव ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है, आस्था की नगरी अयोध्या, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या। And from Uttar Pradesh, we move to its neighbor Delhi. Going past the saluting pace in Rajpath, New Delhi, the tableau from Delhi. Its theme, Shahjahanabad redevelopment. The tableau reimagines inclusive streets with open public plazas, safe cycle lanes and accessible walkways interspersed with the sound of prayers from diverse places of worship in the area.
Color, culture and creativity in its myriad forms on display here. Gliding now past the saluting base, the tableau from Karnataka. Its theme, Vijayanagara, the city of victory. The Vijayanagara Empire was based in the Deccan Plateau region of South India, founded in 1336 by the brothers Harihara and Bukka. The capital of Vijayanagara Empire was Hampi. In fact, the rule was treated as a golden era in the history of Karnataka. Rajpath par ab chalte hain Kerala ki or. Jhanki mein sudur dakshin mein sthit Kerala rajya ke choir ko darshaya gaya hai. केरल राज्य की इस झांकी में महिला सशक्तिकरण का चित्रण है. राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हो रहे हैं. राज्य के प्रमुख पशु हाथी को भी दिखाया गया है. केरल शब्द का उद्गम केरा से हुआ है, जिसका अर्थ है नारियल, और केरलम शब्द का अर्थ है नारियल के वृक्षों की भूमि. उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन. अगली झांकी आंध्र प्रदेश से, जिसमें विजयनगर शैली के लेपाक्षी मंदिर निर्माण को दर्शाया गया है. इस झांकी में विजयनगर साम्राज्य की एक झलक भी हमें देखने को मिलती है. आंध्र प्रदेश के इस लेपाक्षी मंदिर का निर्माण दो भाइयों विरुपन्ना और वीरन्ना ने कराया था. मंदिर के निकट ही विशाल नंदी की प्रतिमा है, जिसका निर्माण एक ही बड़ी शिला से किया गया है. A palimpsest of our ancient traditions and modern sensibilities, the essence of India, and now a glimpse of the land of the dawn-lit mountains, Arunachal Pradesh. West. The tribes of the eastern and western parts of the state display their cultural and folk traditions. The Mompas are mainly Buddhists, and the Wanchos hail from the east. They are known for their wood carving skill and colorful beadwork. Digital Kranti Katha Aatmanirbharta Ki Or Badhta Udiyaman Bharat.
The digital revolution in our country is developing faster than the sound of thought. We had barely gotten used to carrying the world in our cell phones, and now farmers are using drones for farming and phones for banking. This is the picture of a new India on the fast track. Digital Bharat, Atmanirbhar Bharat. The tableau of the Ministry of Electronics and Information Technology. Now from the Ministry of Labour and Employment for Labour Codes. The tableau shows the segments benefiting the most from the Labour Codes. Naye Bharat mein kaafi kuch naya ho raha hai aur desh badal raha hai. Usi ko darshati jhaankiyan श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ये झांकी जिसमें ऐतिहासिक श्रम सुधारों को दिखाया गया है. मेहनत का सम्मान हो, 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 हक भी एक समान हो, 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 श्रम ही स्वाभिमान हो, श्रम की जय जयकार हो, 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 मजदूर मजबूत बना, सुरक्षा का विश्वास बढ़ा, माता बहने अलग नहीं है, उनको ये एहसास मिला. लेबर कोर्ट से हर क्षेत्र के श्रमिक को जो लाभ होगा उसे यहाँ दिखाया गया है. और सबसे बड़ी बात सुरक्षा की, बड़ा पीला हेलमेट श्रमिकों की सुरक्षा को दर्शाता हुआ. दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ये झांकी भारतीय सांकेतिक भाषा एक राष्ट्र एक सांकेतिक भाषा का संदेश लेकर राजपथ पर. चुटकी ना ताली, भाषा हाथ वाली, हथेली है ये अर्थ वाली. झांकी का उद्देश्य इंडियन साइन लैंग्वेज यानी ISL के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है. सुनने बोलने की सीमाओं को लांघकर अभिव्यक्ति की भाषा बन जाती है सांकेतिक भाषा. The importance of body language in communication. And from body language to caring for the body. Ojo Bharat Tejo Bharat, Ministry of Ayush, Government of India, their theme, Immune India, Active India. Ojo Bharat Tejo Bharat, Milkar yeh lakshya saakar kare, Aarogya rahe man sthir ho. Ayush is a name synonymous with wellness and has established the role of research and the production of natural immunity boosters. The sides of the trailer show various natural products with medicinal properties. In fact, a large twig of giloy binds all around the tableau. So from a fit body and a healthy body to a physical fitness body. Just
A tableau from the Central Reserve Police Force, a professional ops force with humane sensitivity, depicting the legacy, valor and the humane face of the force in line with its motto, service and integrity. A much appreciative crowd. The front portion of the tableau depicts the CRPF Jawans in operational areas with modern weapons and armory. The Iron Man inspires the Iron Force. Sardar Vallabhbhai Patel. राजपथ पर अगली झांकी बायोटेक्नोलॉजी विभाग की, जो आत्मनिर्भर भारत को दर्शा रही है। कोरोना मुक्त बनाएंगे, आविष्कार हम करते हैं, चुनौतियों से लड़ते हैं, आविष्कार हम करते चुनौतियों से लड़ते, देश की है आन हम, देश की है शान है। कोरोना महामारी पर विजय पाने, उसे पीछे छोड़ने में हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का जो योगदान रहा है, वही बायोटेक्नोलॉजी विभाग की झांकी की प्रमुख थीम है। इस झांकी में 5 भागों में जिसे दर्शाया गया है। भारत की चौतरफा उन्नति, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हो रहे हैं राजपथ पर 72वां गणतंत्र दिवस समारोह। और अब भारतीय तटरक्षक बल की झांकी, जिसमें 2 जहाजों को दर्शाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल की इस झांकी में बल के डिप्टी कमांडेंट आलोक उपाध्याय सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं। The tableau is being enjoyed here by the visitors, and this is the tableau of the Ministry of Information and Broadcasting. Of course, we are. The theme is Vocal for Local, New India. The tableau showcases a mass movement to encourage products built, innovated, and marketed by Indians. All India Radio and Doordarshan have always been the most impactful vehicles of communication in India's growth story, because they connect with people of all ages and walks of life all across the country. India moves towards modernity. We cut mountains but connect hearts is the perfect description of the work of the Border Roads Organization, BRO. Desh ka hai pyara seema sadak hamara, shramena sarvam sadhyam hai hamara nara.
BRO was raised in 1960 and has many landmark achievements. They've built 60,000 kilometers of roads, thousands of meters of permanent bridges, and 19 airfields. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी इस बार समर्पित है भारतीय सेना के अमर जवानों को। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ। नेक्स्ट, फूलों से सजी झांकी में राष्ट्रीय समर स्मारक है, इंडिया गेट है, और इन वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाती उन्हें नमन करती हुई झांकी, और उसके बाद ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी जो थीम लेकर आई है आजादी का 75वां वर्ष। ये झांकी ऐलान करती हुई कि इस साल 15 अगस्त से आजादी का 75वां साल शुरू हो जाएगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का वर्ष 23 जनवरी से शुरू हो गया है। And now, Rajpath will be suffused with bright colors, foot-tapping music, and untappable enthusiasm of students from various schools in a performance of a lifetime as we look at India with aspects of the past and the future. The first performance is by Delhi Tamil Association of Schools, a rainbow of the colors of the traditional folk dances of Tamil Nadu. Tamil Nadu has a rich tradition of folk dances. Thank you.
राजपथ पर नृत्य कौशल, सांस्कृतिक वैभव, परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। और अब सलामी मंच के सामने पहुंचने की बारी है। राजकीय उच्चतर कन्या विद्यालय यमुना विहार दिल्ली की 102 छात्राओं की, जिनका नृत्य फिट इंडिया अभियान को समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका मकसद हर भारतीय के जीवन में खेलों को अनिवार्य रूप में शामिल करना और स्वयं को फिट रखना शामिल है। मिलकर बढ़ें और मंजिल की ओर लाए नए फिट इंडिया का दौर, यही संदेश है फिट इंडिया मूवमेंट को समर्पित इस नृत्य का। Well, our folk dances keep us fit as well because they are so vigorous and enthusiastic. We now have the Eastern Zonal Cultural Center of Kolkata performing Bajasal, one of the traditional folk dances of Kalahandi, Odisha. This dance is usually performed at weddings. We'll be right back.
पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के 80 लोक कलाकार नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करते हुए राजपथ पर धीरे धीरे सलामी मंच के सामने से अपने प्रस्तुति को अंजाम तक पहुंचाने के क्रम में इन लोक कलाकारों के बाद अब बारी है माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी और विद्या भारती स्कूल रोहिणी दिल्ली के 38 छात्र और 54 छात्राओं की, जो राजपथ पर आत्मनिर्भर भारत की छटा बिखेरने वाले हैं। भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने की ओर सशक्त कदम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों का आह्वान, जिसकी झलक राजपथ पर नृत्य के माध्यम से। Technological development, new education policy, skill development, and women empowerment. Atmanirbhar Bharat. भारत के आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, नई शिक्षा नीति, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के दृश्यों को साकार किया राजपथ पर इन छात्र छात्राओं ने अपनी मनोहारी प्रस्तुति से। Color, culture and creativity coming together to paint scenes of visual delight as tableau and dances from different parts of India went past the saluting base. India is a land of contrasts and contradictions. Blending and knitting together the fabric of a nation. Salami Manch ke nikat One Air Formation Signal Regiment ka control room first and foremost ke nare ke saath Colonel Manjunath Raju ke netritv mein ye regiment Bharatiya Vayu Sena ke saath flypast control ke liye sanchar pradan kar rahi hai. And now all eyes will turn skywards as we are about to witness the grand finale of the Republic Day function. The Indian Air Force will present a stupendous flypast. Precision at tremendous speeds will be on display. In fact, traditionally flypasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills, and delight the public. In the words of a fighter pilot, when you are up in the sky, the thunder becomes felt in the heart, not in the head.
गतिविधियों का केंद्र अब आकाश होगा। दृश्य और ध्वनि का जादू छाने वाला है, शुरू हो रहा है वायुसेना का फ्लाईपास्ट। फ्लाईपास्ट के लिए विमान देश के अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरकर यहां पहुंचे हैं और बारी बारी से राजपथ के ऊपर से गुजरेंगे। सबसे पहले हम आकाश में देखेंगे रुद्र फॉर्मेशन। इसमें एक डकोटा हवाई जहाज और उसके साथ दो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स होंगे। ये विक फॉर्मेशन में होंगे। इस फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर SS गहलोत ने, जो वायुसेना की हेरिटेज फ्लाइट के डकोटा को उड़ा रहे हैं। दो हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर मुकुल खरे और स्क्वाड लीडर राठौर हैं। सैनिकों और साजो सामान लाने ले जाने के लिए डकोटा ने 1947 में कश्मीर घाटी और 1971 में भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। डकोटा विमान, दो हेलीकॉप्टर्स, ये फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर SS गहलोत की कमान में रुद्र फॉर्मेशन। The diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with all of us present here, the first formation of the flypast, the Rudra formation. The Rudra formation will be followed by the Sudarshan formation, consisting of one Chinook and two Mi-17 helicopters in Vic formation. The Chinook is a heavy lift twin rotor helicopter which has enhanced the Indian Air Force's lift capability across a range of military and HADR missions. The formation will be flying at 160 kilometers per hour at a height of 60 meters above all of us. The formation is led by Group Captain Siddharth Rawat, Commanding Officer 126 Helicopter Flight. The other formation members are Wing Commander Rohit Singh Thakur and Wing Commander Nikhil Mehrotra of 129 Helicopter Unit. सुदर्शन के बाद रक्षक फॉर्मेशन, हेलीकॉप्टर्स, एक Mi-35 और चार अपाचे हेलीकॉप्टर्स विक फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी ने संभाली है। ग्रुप कैप्टन इंदुमीत सिंह, विंग कमांडर प्रवीण सारथी, विंग कमांडर आनंद कुमार यादव और विंग कमांडर मुनीत डोगरा इस फॉर्मेशन में उनके साथ। रफ्तार है 180 किलोमीटर और जमीन से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। The pace, the speed, the heartbeat building up as the Indian Air Force presents its flypast. Beautiful images captured by a specially placed cameras by Team Doordarshan. And following the Rakshak formation will be the Bheem formation, comprising three C-130J aircraft in Bheem formation. The C-130J is the special ops aircraft of the Indian Air Force and is capable of operating from remote places with short and semi-prepared surfaces. The aircraft is used for covert insertion, special airdrop and air-landed missions, base defense, casualty evacuation, and of course, humanitarian relief in remote areas. Formation led by Group Captain Mandeep Chahal, Commanding Officer of 87th Squadron. The captains of the other two aircraft are Wing Commander Ankit Raj Singh and Wing Commander Naveen Chand. उमंग और जोश बढ़ता हुआ और भीम के बाद निगाहें आकाश की ओर, तो आकाश में भी निगाहें, नेत्र फॉर्मेशन यानी आकाश में निगाह। यह हवा में एक ऐसा अर्ली वार्निंग रेडार है
जो 400 किलोमीटर तक के इलाके में दुश्मन की हरकत को भांप कर लक्ष्य को भेदने का निर्देश दे सकता है। इस सिस्टम को डीआरडीओ ने विकसित किया है। नेत्र विमान के दोनों ओर सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान हैं। इस AEWNC को ग्रुप कैप्टन पी सिंह उड़ा रहे हैं। सुखोई 30 विमान में विंग कमांडर वी भोज, उनके साथ स्क्वाड लीडर टी अली, और दूसरे सुखोई 30 विमान में विंग कमांडर एस अधिकारी, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट धीरज यादव। 300 मीटर की ऊंचाई और 550 किलोमीटर की रफ्तार। And now we await the Garuda formation. Flying at a height of 550 kilometers per hour, at a height of 300 meters above the ground level. The speed slowly increasing. The Garuda formation will comprise one C-17 Globemaster with two MiG-29s and two Su-30 MKI aircraft in big formation. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic airlift aircraft. C-17 captained by Group Captain Pranav Sisodia, commanding officer of 81 Squadron. Flanking him on two MiG-29 aircrafts, piloted by Group Captain Kapil Deep Singh, commanding officer of 223 Squadron, and his flight commander, Wing Commander Ankur Hakim. The outermost tier had two Su-30 MKI aircraft piloted by Group Captain GBS Chauhan, Vayu Seva Medal, Commanding Officer of 31 Squadron, with Squadron Leader GS Dutt and Wing Commander Ravi Huda, with Flight Lieutenant Prakhar Kumar. रोमांच और बढ़ता हुआ, और गणतंत्र दिवस परेड पर पहली बार रफाल, एक रफाल, दो जैगुआर और दो मिग 29 एकलव्य फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया कर रहे हैं। फॉर्मेशन में उनके साथ हैं विंग कमांडर वरिंदर सैनी, विंग कमांडर आकाश चेची, ग्रुप कैप्टन जीजो जोस ओविलल और विंग कमांडर नितिन नागर कोटी। 300 मीटर की ऊंचाई और रफ्तार 780 किलोमीटर प्रति घंटा। एकलव्य फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में। The limitlessness of the sky setting the tone for the limitless passion, expertise and skill of our pilots from the Indian Air Force. And now the Trinetra formation is going to come up, comprising three Su-30 MKIs. The three aircrafts, as they come up, will spit outwards and upwards, forming a Trishul in the sky. Squadron Leader R.C. Kulkarni, the captains of the other two aircraft, the Wing Commander Karani with Flight Captain A.S. Dilsa, and Squadron Leader... The formation is led by Group Captain A.K. Mishra, commanding officer. Squadron Leader R.C. Kulkarni, the captains of the other two aircrafts are Wing Commander Karani with Flight Lieutenant A.S. Dinsa, and Squadron Leader H.J. Singh with Squadron Leader Shobhit Mishra. Peeling outwards and upwards. Trinetra. Trinetra formation. Rajpath ke aakash mein is samay teen advanced light helicopters Vijay formation mein tirange ke rangon ko Rajpath ke aakash mein rangte hue. Is formation ki kaman group captain Girish Kumar ne sambhali hai. Unke saath विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी और विंग कमांडर वाय श्रीधर। तिरंगे के रंगों की छटा को बिखेरते हुए colors of the national flag coloring the sky. And now everybody, we will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour carrying out a vertical charlie. Absolutely gravity-defying aircraft piloted by Group Captain Harkirat Singh Shaurya Chakra, commanding officer of 17th Squadron with Squadron Leader Kisley Kant, Nava Sprisham Deeptam. A befitting salute to the motto of the Indian Air Force.
Absolutely awe-inspiring and thrilling. A lot of training goes into what seems to be effortlessly done over here. And that is the charm, that's the beauty of every professional, every perfect display. The Indian Air Force always coming up first every time. इस समय सभी के मन के भाव जमीन आकाश पूरे वातावरण में बिखर गए हैं. बड़ा ही भव्य फ्लाई पास्ट, रोमांच और उत्साह आज के इस 72वें गणतंत्र दिवस पर. शानदार फ्लाई पास्ट, मन के भाव आकाश को छू रहे हैं. हमारे राष्ट्रीय पर्व की भव्यता शब्दों की हदों के परे है. Spectacular scenes of a spectacular Republic Day parade, the 72nd Republic Day of India, draws to a close. What a day this has been. The spectacular parade on Rajpath reflects our great love for our country. It is a re-expression of our gratitude to the armed forces for their dedication and protection. The spectacle of our cultural heritage is a reminder of who we truly are and gives strength to each one of us to carry on with whatever we do best, for the greatest service to the nation is to be true to ourselves. In the distance, the president's bodyguard returning to the saluting dais. वायु विचरण करते उन्नत विमान, राजपथ पर गरजने वाले अस्त्र शस्त्र, भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव, उसमें अनुपम कलात्मक सौंदर्य का समावेश, अपार जनसमूह की भागीदारी, 72वें गणतंत्र दिवस को पूर्णता प्रदान करते हुए ये सभी चीजें, राष्ट्रीय उत्सव इस समय समापन की अग्रसर पृष्ठभूमि में 46 सजीले घुड़सवार अंगरक्षक, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की टुकड़ी, सन 1773 में घटित घुड़सवार अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की प्राचीनतम और वरिष्ठतम रेजिमेंट है. ऐतिहासिक इंडिया गेट के ऊपर शाश्वत लौ प्रज्वलित है, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले उन सैनिकों को समर्पित, उन अमर शहीदों को समर्पित जिन्होंने स्वाधीन भारत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. राजपथ के ये विहंगम दृश्य आप तक पहुंचते हुए हमारे स्पेशल कैमरास के माध्यम से, और यहाँ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की ये टुकड़ी सलामी मंच के नजदीक पहुंचते हुए प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की इस टुकड़ी का नेतृत्व कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी कर रहे हैं. सलामी देगा राष्ट्र सल्यूट मध्य. Thank you.
And this is the first view of the balloons in the colors of our flag, painting the skies with hope. A reminder of the words of President APJ Abdul Kalam. I am born with potential. I am born with ideas and dreams. I am born with greatness. I am born with confidence. I am born with wings. I have wings. I will fly. I will fly. I will fly. माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सलामी मंच से प्रस्थान करने के क्रम में राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, आज का दिन बड़ा शुभ है। गणतंत्र दिवस का हमारा राष्ट्रीय पर्व हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर। As the dignitaries depart the saluting base, after celebrating our 72nd Republic Day, we know that ceremonial conclusions on days like today never have an air of finality about them. National celebration always leaves us suffused with feelings and thoughts of gratitude for the past, festivity for the present, and belief in the future. Whenever we celebrate together, that which separates us seems to disappear, and that which unites us becomes the only reality. That's the power of a nation. The President of India, Shri Ramnath Kovind, taking his leave from everybody present here. At the closure of the parade, the multitude of balloons that were released in the sky still carrying the spirit of celebration with them, the collective aspirations of a vibrant nation moving towards a higher calling, riding the winds of change, rising to meet the future. राष्ट्रीय पर्व का उल्लास हृदय से छलकता हुआ चेहरों पर दमकता हुआ। राष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रहे हैं। बहत्तरवां गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न होता हुआ कोरोना काल में भी बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस गणतंत्र दिवस समारोह को मनाया। और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक समारोह पूर्वक राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाते हुए And that's the beauty of this celebration, because for any celebration to have meaning, its reasons need to be lived collectively. And that's what we do on this day. The engines of the largest democracy in the world, the people of India, are its driving force. The country we make is the country we bequeath. Prime Minister Narendra Modi will now see off the Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu, गणमान्य व्यक्तियों के आगमन का और प्रस्थान का प्रोटोकॉल और उसी क्रम से बारी बारी से प्रस्थान यहां से कर रहे हैं।
जनवरी की सुबह बहुत सर्द थी, कोहरा भी था, लेकिन धीरे धीरे धूप खिली और अब यहाँ मौसम बहुत अच्छा, नर्म धूप है और गणतंत्र का उत्सव है। माननीय उपराष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रहे हैं। And as the vice president takes his leave, he goes back a satisfied leader. Because in the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil and steady dedication of a lifetime. And this is what we saw on display here. And now, Prime Minister Narendra Modi will prepare to depart from the saluting base after the conclusion of yet another impressive and heartwarming Republic Day celebration. Dream, desire, dedicate and deliver, all that we saw on display here today, sending out this clear message. No other land in the world has harbored so many creeds since time immemorial. And today we have evolved into a multi-hued kaleidoscope of cultures, a nation with different tones and hues, but the ultimate composition forever one. The Prime Minister of the nation interacting with the public, crowds swaying themselves to get a glimpse of the Honorable Prime Minister. Pradhan Mantri, reaching out, Darshak, Dirgha ke nikar jaate hue, और उन्हें देखकर बहुत उत्साह वहां लोगों में। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से दर्शकों की संख्या सीमित की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है, लेकिन यहां मौजूद सभी लोग प्रधानमंत्री को अपने निकट पाकर बहुत ही उत्साहित महसूस करते हैं। This, in fact, is the essence of India. We keep distance from each other because of the COVID guidelines, and that we must. But as a people with a myriad-hued culture and tradition of brotherhood, we are bonded together at all times, no matter what the challenge is. There is usually a lot of excitement when the Prime Minister walks down Rajpath to greet the visitors who are here, and he waves back to everyone who's waving to him. देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने समीप पाकर कौन उत्साहित नहीं होता, और यहाँ पर जो देश प्रेमी जनता उपस्थित है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी न केवल उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि भावनाएं भी साझा कर रहे हैं। देश के विकास में, देश की प्रगति में सबका साथ, सबका विश्वास, यही भावना आज परिलक्षित होती हुई राजपथ पर। राष्ट्र का 72वां गणतंत्र दिवस, भारत का हर नागरिक आज प्रसन्न है, प्रफुल्लित है और कल की ओर नई उम्मीदों से देख रहा है। The Prime Minister walking that extra mile to be close to the people, to see them and be seen by them. A very, very special moment for all those present here as they try and capture this for posterity on their own cameras too. And though the parade concludes at Rajpath in the capital today, the celebrations do not end. We as Indians have much to celebrate. A republic where the constitution is the guiding spirit, a diversity that helps us understand differences with sensitivity, a young population that could be an economic boon, and of course a unity that bridges differences.